Assalamu alaikum to all. Today our discussion topic is sublimation and deposition. Sublimation और deposition जो है ये chemistry की बहुत important short terms हैं. Both are opposite process of each other. ये जो दोनों process हैं ये एक दूसरे के opposite हैं. सबसे पहले हम sublimation को define करते हैं. It is a process in which substance convert solid phase to gas phase. उसके बाद है डेपोजिशन. इट इज़ अ प्रोसेस इन विच सब्सटेंस कन्वर्ट गैस फेज टू सॉलिड फेज. जो सब्लिमेशन है इसमें कोई भी सब्सटेंस सॉलिड फेज से गैस फेज में कन्वर्ट होता है, जबकि डेपोजिशन में गैस फेज से सॉलिड में कन्वर्ट होता है. सब्लिमेशन का जो मीनिंग है वो है रिमूवल. जब सॉलिड फेज से कुछ चीज़ें रिमूव होगी, मीन एक सब्सटेंस है वो सॉलिड फेज में है, उसमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो रिमूव होंगी, तभी तो वो गैस स्टेट में कन्वर्ट होगा. उसके बाद है सेकंड डेपोजिशन. इसका मीनिंग है एडिशन. या फिर डिपॉजिट होना. इस प्रोसेस में सब्सटेंस गैस फेज में है, जब उसमें कुछ और चीज़ें ऐड होंगी, मीन एडिशन होगी, तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा. सब्लिमेशन की एग्जांपल ड्राई आइस विच इज़ अ फ्रोजन फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. हमारे पास जो सब्सटेंस है वो ड्राई आइस है, जो कि सॉलिड फॉर्म है. सॉलिड फॉर्म किसकी है, वो कार्बन डाइऑक्साइड की. कार्बन डाइऑक्साइड है गैस. उसके बाद है डेपोजिशन की एग्जांपल फॉग विच इज़ द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज एंड एटमोस्फेरिक वाटर एंड कन्वर्ट टू आइस. जो फॉग है वो मिक्सचर है डिफरेंट गैसेस का या फिर वाटर का, एटमॉस्फेरिक वाटर. सपोज डैट कुछ गैसेस हैं और कुछ वाटर है, एटमॉस्फेरिक वाटर. ये जब मिलेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे आइस में. आइस मीन बर्फ. बर्फ़ जो है वो एक सॉलिड फॉर्म है, जबकि ये गैस है. गैस कन्वर्ट हुई है सॉलिड फॉर्म में, तो इसे ही हमने डेपोजिशन कहा था. होप सो यू आर ऑल अंडरस्टूड व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सब्लिमेशन एंड डेपोजिशन. थैंक यू.